हेलो दोस्तों, आज हम जाएंगे वृंदावन इस्कॉन टेम्पल। इस वीडियो में मैं आपको इस्कॉन टेम्पल के बारे में जानकारी दूंगी। इस्कॉन टेम्पल का टाइम क्या है? इस्कॉन टेम्पल सुबह 4:10 बजे से खुल जाता है और दोपहर 12:45 को मंदिर बंद हो जाता है। इसके बाद वापस 4:30 बजे से खुलता है और 8:15 पे मंदिर बंद हो जाता है। इस्कॉन मंदिर जाने के लिए आपको मोसा रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो किसी भी बड़े शहर से ट्रेन पकड़कर आप मथुरा स्टेशन पहुंच जाएंगे। वहां से टैक्सी और रिक्शा से वृंदावन में इस्कॉन मंदिर आप जा सकते हैं। मथुरा कैंट और मथुरा जंक्शन दो स्टेशन है, कहीं भी आप आ जाइए। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली, आगरा सहित आसपास के अन्य शहरों से वृंदावन और मथुरा के लिए नियमित बसें चलती हैं। मथुरा पहुंचने के बाद आप रिक्शा से वृंदावन जा सकते हैं। अगर आप प्लेन से वृंदावन इस्कॉन टेम्पल पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से मथुरा पहुंच सकते हैं, या आप मुंबई और कोलकाता से भी फ्लाइट से मथुरा पहुँच जाइए। दिल्ली से मथुरा 141 किलोमीटर है। मथुरा से टैक्सी से या बस से वृंदावन आप जा सकते हैं। मथुरा से नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको आगरा का पड़ेगा। मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब चलते हैं इस्कॉन टेम्पल में। इस्कॉन टेम्पल में आपको खिचड़ी की प्रसाद यहाँ पे मिलेगी। अब हम टेम्पल में एंट्री करते हैं। इस्कॉन मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा शहर में वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर से भी जाना जाता है। यह वृंदावन के सभी मंदिरों में सबसे भव्य है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। इस्कॉन मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग भी की गई है, जिसमें कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर वर्णन किया है। इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गाय को चराने आते थे, खेला करते थे और गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, ठीक उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसकी स्थापना भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल्य मान्यता भागवत गीता पर आधारित थी। इस्कॉन मंदिर का संबंध कोंडीय वैष्णव संप्रदाय से है, जहां वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है। माना जाता है कि इसी जगह से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित, जिसमें भक्ति योग का अभ्यास प्रसार करने के लिए इस्कॉन संस्था बनाई गई थी। इस्कॉन के उपदेश और प्रथाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया था और संहिता बंद किया गया था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थी। से बाहर विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहने, चंदन की बिंदी लगाए एवं पुरुषों को धोती कुर्ता और गले में तुलसी की माला पहने देखा जा सकता है। वे लगातार हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन भी करते रहते हैं।
इस्कॉन से जुड़े लोग आज दुनिया भर में मौजूद हैं। लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन मंदिर पाए जाते हैं। इसके भक्त दुनिया भर में राम और कृष्ण के भजन और कीर्तन गाते हुए मिल जाएगी, चाहे वो न्यूयॉर्क, लंदन, मास्को, मथुरा, वृंदावन की सड़कों ही क्यों न हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे आपको ऐसी न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस थैंक यू, वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस।